हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे प्रेस्टीज ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर फ्राई पैन का। इस फ्राई पैन को आप क्यों यूज़ करेंगे, इसके फीचर्स, डिटेल्स और प्राइस जानने के लिए ये वीडियो आखिरी तक देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं या मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी सब्सक्राइबर है तो थैंक यू सो मच। तो चलिए बिना टाइम लिए जल्दी से शुरू करते हैं ये अनबॉक्सिंग वीडियो। तो ये प्रेस्टीज ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर फ्राई पैन की पैकिंग कुछ इस तरह की दिखती है। तो इसके बॉक्स में इसका इंट्रोडक्शन एंड फीचर्स दी हुई है। तो ये दावा करती है 5 चीज़ें: थिक गॉज, रस्ट प्रूफ इंटीरियर, इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, गैस एंड इंडक्शन कंपैटिबल। तो जो पहला है थिक गॉज, थिक गॉज यानी कि इसकी सरफेस काफ़ी मोटी है। रस्ट प्रूफ इंटीरियर यानी कि इसमें जंग नहीं लगेगा, क्योंकि ये स्टेनलेस स्टील है तो लाजमी है कि रस्ट प्रूफ है। इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से कि ये ट्राईप्लाई कुकवेयर है, जिसका मतलब है कि इसके सरफेस में 3 लेयर्स है। जो पहला बाहरी लेयर है वो स्टेनलेस स्टील का है, फिर दूसरा लेयर जो है वो एलुमिनियम का है, और आखिरी लेयर जो है वो फिर से स्टेनलेस स्टील का है। तो इसमें गैस का जो हीट है वो पैन को सभी जगह से गर्म रखती है। स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, सही में काफ़ी मजबूत है। आप अगर हाथ में लेंगे तो आप भी फील कर सकोगे कि कितना भारी और मजबूत है। गैस एंड इंडक्शन कंपेटिबल यानी कि ये गैस और इंडक्शन दोनों में काम आएगा। ये थोड़ा महंगा ज़रूर है, लेकिन इसमें जो इतने सारे फीचर्स है प्लस लाइफ टाइम वारंटी जो मिलती है, उस हिसाब से पैसे पानी में नहीं जाएगा। मानती हूँ कि इसका दाम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन आप इसको एक बार ले लो तो इसमें 3 फ़ायदे हैं। पहला है कि इसमें सेहत के लिए कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। दूसरा कि इसमें कोटिंग उठने का डर नहीं है, क्योंकि दूसरे एल्युमिनियम या नॉन स्टिक में खाने के साथ कोटिंग निकल के मिल जाता है जो हम खा लेते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। और तीसरा है कि एक बार अगर आप ये ख़रीद लेते हो तो 15-20 साल आराम से निकल जाता है, जबकि नॉन स्टिक में 5 साल बाद रसोई बनाने जैसा नहीं रहता, क्योंकि उसमें कोटिंग उठ जाता है तो खाना बनाने लायक रहता नहीं है। क्योंकि नॉन स्टिक में तेल कम लगता है इसलिए हमको नॉन स्टिक इस्तेमाल करना पड़ता है। मजबूत, ड्यूरेबल और सेहतमंद बर्तन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ज़रूर खरीदिए। इसका हैंडल बहुत ही मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है काफ़ी। साथ ही इसका हैंडल इस तरह से बिल्ट किया हुआ है कि हीट कंडक्शन नहीं होगा, यानी कि खाना बनाने के टाइम आपका हाथ नहीं जलेगा। इंडक्शन एंड गैस दोनों के लिए ये काम करेगा। क्योंकि ये मेटल स्टील का है तो इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, जहाँ नॉन स्टिक में थोड़ा तेल कम लगता है, वहीं पे स्टेनलेस स्टील वाला सेहतमंद होता है और नॉन स्टिक हार्मफुल होता है, क्योंकि नॉन स्टिक का कोटिंग उठ जाता है तो सेहत के लिए ठीक नहीं होता। स्टेनलेस स्टील का कोटिंग उठने का कोई डर नहीं होता, क्योंकि इसमें कोटिंग होता ही नहीं है, क्योंकि स्टील होता है। इसमें स्क्रैचेस भी आएंगे, लेकिन हम अगर चाहे तो स्क्रैचेस से फ्राई पैन को बचाने के लिए सिलिकॉन स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। मेटल स्पून भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे स्क्रैचेस आ जाएंगे, लेकिन बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसकी थिकनेस 2.5 mm की है, स्पेस इसमें काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा फ्राई पैन 240 mm की कैपेसिटी रखता है। इस फ्राई पैन के साथ आपको लिड नहीं मिलेगी, हालांकि किसी भी फ्राई पैन के साथ कभी लिड मिलता ही नहीं है। इसकी प्राइस की बात करें तो ये हमने प्रेस्टीज शोरूम से लिया है 1900 रुपीज़ में। अब हम इसका स्टिकर निकाल लेंगे। पानी डाल के गर्म करके ये स्टिकर पूरी तरह से हमें निकाल देना है, ताकि इसका पेपर या ग्लू खाने में चला ना जाए। यहाँ पर ये पानी गंदा हो चुका है तो आप इसे फेंक दें, और ये नया पानी लेकर इसमें थोड़ा सर्फ या डिश वॉश लिक्विड डालकर साफ करें इस तरह से। तो इसमें अगर कोई हार्मफुल केमिकल होगी तो निकल जाएगी, जबकि स्टेनलेस स्टील है तो कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है। जहाँ पे नॉन स्टिक या एल्युमिनियम होता तो उस पर हार्मफुल केमिकल्स होता, फिर भी हम इसको अपने सेटिस्फैक्शन के लिए क्लीन कर रहे हैं। और अब ये साफ़ हो चुका है तो खाना बनाने के लिए रेडी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए। टेक केयर, बाय।